3 comes with best-in-class safety features like 7A bed, 4-disc brake, electronic and electric stability with wheel start assist. For more details, contact Supreme Mobile Private Limited, Hisar. सर, क्या आप अपने गांव के सरपंच के काम से खुश हैं? जितना खुश है उतने नाराज भी हैं। नाराजगी का कारण? गांव जाखोद खेड़ा, जिसके अंदर है 125 साल से भी पुराना रामदेव जी का मंदिर। प्रदीप जी, आपके गांव के इस मंदिर का इतिहास हमें बताइए, कितने साल ये पुराना है, क्या इसकी खासियत है? मैम, ये होगा लगभग 125 साल पुराना। 127 में अभी हमने इसके विशाल दंगल का आयोजन किया था इसी साल फरवरी के महीने में। ठीक है। उसमें सरपंच साहब और जो कमेटी के हमारी सदस्य राजेंद्र गोदारा और भी 5-7 सदस्य जो कमेटी के, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके साथ से हमने ये आयोजन करते हैं। और यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है जी। विशाल मेला यहाँ पर लगता है, मान्यता कितनी दूर दूर तक है इसकी? बहुत दूर दूर तक है जी। आज आपको लेकर के पहुंची हूँ आदमपुर में पड़ने वाले गांव जाखोद खेड़ा के अंदर, जो कि पूरा 300 साल पुराना है और जाना जाता है अपने 125 साल पुराने मंदिर के लिए। उसी मंदिर के लिए जिसमें न केवल श्रद्धालु पहुँचते हैं बल्कि पहुँचते हैं देश के अलग अलग कोने से अखाड़े के खिलाड़ी। तो चलिए आपको इस गाँव के अंदर लेकर के चलती हूँ, गाँव की सड़कें दिखा देती हूँ, गाँव के हाल दिखा देती हूँ, सरपंच से आपको मिलवा देती हूँ और उसके बाद फिर बारी गांव के बुजुर्गों की। सरपंच प्रतिनिधि जो कि गांव में काम करवाते हैं, जितेंद्र जी जो कि गांव की सरपंच पूनम जी के पति हैं, उन वो मेरे साथ फिलहाल बने हुए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी। महिंद्रा XUV300 comes with best in class safety features like 7A bed, 4-disc brake, electronic and electric stability with wheel start assist. For more details, contact Supreme Mobile Private Limited, Hisar. आपके गांव में एक बड़ा फेमस मंदिर है, सुना है 128 साल से लगातार यहां पर मेला भरता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए क्या खास सुविधाएं आपने की हैं? खास सुविधाएं जी, वहां ग्राउंड बड़ा कम किया और हमने कुश्ती पहले होती थी पर छोटे स्तर पर होती थी, ये बड़े स्तर पर कराते हैं। बिल्कुल, सुना है दूर दूर से आते हैं, इंद्रकेसरी भी आते हैं यहाँ पहलवान। 51,000 रुपए का इनाम होता है, यहाँ लाखों रुपए इनाम देते हैं। ठीक है भाई, लड़के नशे से दूर रहे, लड़कियाँ भी आती है। बिल्कुल हाँ, बड़ा 128 साल पुराना मंदिर है और वो कमेटी ना उसकी, वो बहुत बढ़िया काम करती है जी। जी, तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने 2 से 3 सवाल पूछे, दोनों तीनों में आपने अपना क्रेडिट जो है सारा दूसरों के सिर पर जो है ताज अपने क्रेडिट का रख दिया है। साथ ही जानना चाहूंगी कि और अपने गांव में क्या क्या काम करवाए हैं, क्योंकि ये 2-3 जगह तो खुद में जाकर के देख के आई हूँ, बाकी आपने और क्या क्या काम करवाए? गलियां बनाई जी सारी पक्की, और गलियां बनाने से पहले हमने पाइपलाइन दबाई है। पहले क्या था कि पाइपलाइन फूटी हुई थी, तो उससे क्या है कहीं लीकेज हो जाता, पानी साफ नहीं मिलता, इससे काला पीलिया बीमारी होती थी, तो हमने सारी पाइपलाइन डलाई है। आपके गांव में काले पीलिया की बीमारी थी पानी की? हाँ। ठीक है, तो किस तरीके से आपने उसको सुधारा है? पाइपलाइन दबाई जी, पाइपलाइन पहले दबाई, फरूल लगवाए, फिर किया। ठीक है, तो कितना उससे विकास कार्य बढ़ाया, कितना जो है बदलाव आया लोगों की बीमारी में? बहुत बदलाव आया जी, जी बीमारियां कम हुई है, और इस ग्रांट के पीछे और भी लोग है जी, मेरा अकेले का हाथ नहीं है, गांव के है ठेकेदार है वो जैसे काम करते हैं, ये पंचायती राज में करते हैं, तो उनकी वीडियो से SDO से तो उनको बहुत योगदान है। ठीक है, साथ में तो मिलकर के आपका साथ देते हैं, मिलकर साथ देते हैं जी। सुना है आपको भी इनाम मिला है, एक बार CM से भी और इसके साथ साथ एक बार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, किस किस चीज़ का इनाम आपको मिला है? हमें मिला जी 41,000 रुपये CM साहब ने दिए थे, वो पानी स्वस्थ पानी पहुंचाने के लिए वो पाइपलाइन डलाई, इस कारण से CM साहब इशार आए थे और 41,000 रुपये का इनाम दिया था जी। हाँ, 1,00,000 रुपये का बाद में इनाम मिला जी, कोरोना में सफाई वगैरह में, उस टाइम में 1,00,000 रुपये का इनाम जब मिला था जी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ, पब्लिक हेल्थ से 41,000 रुपये का इनाम मिला, पब्लिक हेल्थ की तरफ से 41,000 CM साहब ने दिया था जी। क्या बाकी रह गया आपकी तरफ से, क्या लगता है कि ये मैं करना चाह रहा था, ये मेरा विजन था और बाकी रह गया? लगभग 5-6 महीने पड़े हैं तो लगभग हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो
डाणियों के रस्तों की बात है, आधे रस्ते बन चुके हैं, आधे रस्ते हैं, और डाणियों में टुंटी की पाइपलाइन बिछानी है जो अभी शायद सर्वे कर लेके गए हैं, दो चार महीनों में शायद टुंटी पाइप लग जाए। ठीक है, और ढानियों में रस्तों की बात आपने कही, क्या पानी ढानियों तक आप पहुंचा पाए? नहीं पहुंचा पाए जी, पानी कुंड बनाए हैं। ठीक है, मतलब 20 कुंड बना दिए ढानियों के अंदर, ढानियों के बाहर सामूहिक जगह, सामूहिक जगह पर आपने कुंड बना दिए ताकि पानी की आपूर्ति पूरी होती रहे, पानी की आपूर्ति जी। तो कुछ एक चीज़ें आपने बताया कि आपकी बाकी हैं, हो जाएंगी शायद 4-5 महीने में, नहीं हुई तो क्या अगला चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे? हाँ जी रहेंगे, रहेंगे जी। और इसके साथ साथ हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज जानना चाहूँगी कि अपने गाँव वासियों को क्या कहना चाहेंगे? गाँव वालों ने साथ दिया, इसी तरह इब की बार साथ देना जी, और मेरे को उम्मीद है गाँव वाले देंगे साथ, क्यों गणमान्य लोग बोल रहे हैं भाई तेरे को खड़े होना ही होना है। ठीक है, तो मतलब कि दोबारा से तैयारी आपकी जोरों शोरों पर, जोरों से है जी। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी जी। तो दोबारा आपको ले चलती हूँ गांव की उन गलियों में, उन सड़कों पर, उन जगहों पर जहाँ से घूमते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ, जहाँ का हाल मैं देख करके आई हूँ। अब वो हाल मैं आपको दिखा देती हूँ और इसके साथ साथ उस गाँव की जनता से भी आपको मिलवा देती हूँ जो यहाँ इस गाँव में रहती है, और पूछवा देती हूँ कि क्या वाकई इस गाँव की जनता इन कामों से खुश है या फिर अभी भी कुछ नाराज़गी या कुछ विकास या कुछ तरक्की बाकी है। चलिए लेकर के चलती हूँ आपको गांव की ओर। वीडियो से सोशल मीडिया पर पा बीजे मैदान दिखा दे हां नहीं ले ओ देखो इतो चोड़ो चौक ओ सारो बनानो और कब्जो कर रखे लोग घणी की चिल रखे पणी की अब पूरी खुलवानो इतो मोटो चौक सरपंच की कार्रवाई है। आ गली भी पहले इतनी पिद्दी सी लोगा कोई लैट्रिन बना रखी अड़ करिया पूछो ना पूरे गांव के नज़ारे दिखाने के बाद गांव के बुज़ुर्गों के पास मैं आपको लेकर के पहुंची हूं इनसे पूछवाने के लिए कि आखिरकार क्या ये सरपंच के गांव काम से खुश हैं। ताऊ जी, इस सरपंच के काम से कितना खुश हैं, कितना काम उन्होंने आपके गांव में करवाया है? काम तो अच्छे करवाए हैं जी। ये क्यों खट्टर साहब ने कहो नहीं, वह पिल्सन वाली है नहीं, या सरपंच ने दे दी, या बड़ी बूढ़ों के लिए समस्या हो रही है। ठीक है, हाँ ये बड़ी समस्या है बूढ़ों के लिए। चलिए वो तो सर सरपंच के बस की बाहर की बात है। तो ये सीएम तक आवाज पहुंचा दो ना आप। ठीक है, पेंशन की बात हम सीएम तक जरूर पहुंचा देंगे, आपका मैसेज जरूर वो देख लेंगे। बड़ी तकलीफ हो रही है बूढ़ों को आने जाने, मेरी ये मशीनरी सरपंच हो तो 4 जना 5 जना फटाफट ले जाए। ठीक, आप बताइए कि सरपंच किस मामले में या किस फील्ड में सरपंच ने सबसे ज्यादा काम करवाया है आपके गाँव जी? गलियों का एक ये बनवाया है जी, एक उधर बनवाया, ये सदन है इसे बनवाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और स्कूलों की अगर बात करें फिर स्कूलों में सफाई है, 4 दीवारी बनवाई है, नहीं 5 कमरे भी बने जी। ताऊ जी क्या क्या काम करवाए हैं सरपंच जी ने आपके गांव? अच्छा काम कराया है, सारो बढ़िया कराया, स्कूल में 5 कमरा बना दिया और गली वगैरह सारा काम हो गया, कोई बकाया थोड़े ही का मकाम। हाँ जी ताऊ जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे वो और कौन से काम हैं जो चाहते हैं आप सरपंच आपके गांव में ये काम? काम तो देखो जी गांव में चलता है, ताऊ जी कब आगे से आगे आगे से आगे करता रहे, तो ये जो सफाई कर्मचारी वाले इनको थोड़ा वो का नाम डाल दे तो इसको ले ले। ठीक है, और एक ये बार की जो उगदा का नहीं चल रहेगा नहीं, ये तो बहुत ही दिक्कत है, ये भी वो छिप देसाई दोनों सड़क, सफाई कर्मचारी और सड़क, ये दो डिमांड अभी भी आप रखते हैं।
हाँ जी ताऊ जी, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या काम? यही दो डिमांड है जी। यही दो डिमांड है? यही दो डिमांड है। बढ़िया काम करे जी। बढ़िया काम, सारी चीज़ पर ध्यान रखा है सर पर जी। जी सुना है मेला यहाँ आपका भरता है, दंगल उसमें होता है? हाँ जी, दंगल होगा, कबड्डी कबड्डी कुश्ती की प्रतियोगिता करावे जी। ठीक है, सरपंच बढ़ चढ़ के भाग लियो जी। सरपंच बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं जी। ताऊ जी, आपके गांव के सरपंच ने क्या क्या काम करवाए? हमारे गाँव में जी एक पानी समस्या थी, लीकेज ज़्यादा थी, वो लीकेज रोकी। ठीक है, सारे जी आई पाइप लगा दिए, सब घर में पानी पहुंच गया, जिसे दो दो टूंटियाँ थी सबके बंद करवा दी, फ्रू लगवा के सबको एक एक टूंटी लगा दी, सबके घर में पानी पहुंच लग गया। ठीक है, सारे गांव में, हर घर में पानी चढ़ने लग गया। और पानी के अलावा और क्या क्या काम? पानी के अलावा जी गलियों में चूतरे बहुत ज़्यादा थे, लेटरिन कुइयाँ गलियाँ में बना रखी थी, सारी फुटवा दी, घर पर बनवा दी, और सारे चूतरे फोड़ के सारी गलियाँ पक्की करवा दी। ठीक है, मतलब अतिक्रमण हटवा के? हाँ, अतिक्रमण हटा के गलियाँ चौड़ी करवा दी। ठीक है, जो आगे छज्जे थे चूतरे थे सब फुड़वा दिए। और गांव के बच्चों के लिए क्या क्या किया है? गांव में बच्चों के लिए स्कूल में कंप्यूटर लगवा दिए, स्कूल में पढ़ाई अच्छी करते हैं, पौधे लगवा दिए। ठीक है जी, तो कुछ और बुजुर्गों के पास आपको लेकर के पहुंची हूँ। ताऊ जी, आपके गांव के सरपंच के बारे में पूछने के लिए आई हूँ, क्या उन्होंने आपके गाँव में काम करवाया है? सरपंच है, खूब करवा दियो, निहाल कर दिए, किसाई सरपंच कौन गई तो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये खुश हैं अपने गांव के सरपंच के काम। सर, क्या आप अपने गांव के सरपंच के काम से खुश हैं? जितना खुश है उतने नाराज भी हैं। नाराजगी का कारण? नाराजगी ये है, पुरानी ईंटें गलियों से पाट करके स्कूल की बाउंड्री में लगा के नई दर्शा रखी। ठीक है, तो और कोई गांव की सफाई नहीं है, जोड़ देखो सबसे भयंकर। हाँ, सफाई कहीं नहीं है गाँव में। नहीं। उसके साथ साथ और क्या नाराजगी है आपकी? नालियाँ फूटी पूरी हैं, नालियाँ साफ नहीं है, कई जगह कई घरों की नालियाँ भी बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये सारे नाराजगी के कारण आपके हैं। आपने साथ साथ 1.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करवा रखे है पंचायत की। पंचायत की जमीन पर कब्जा करवाया गया है? अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा या किसी बाहर से आ रहे हैं? कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के ही हुए, 20-30-50 है, कुछ 1-2-4 गाँव के हुए। ठीक है, तो मतलब बाहर के लोगों से कब्जा करवाया है अपने ही गाँव के पंचायत की जमीन पर। हाँ ठीक है, और आपने कहा कि खुश भी हैं, खुश किन बातों से हैं, किस चीज़? तो जो है थोड़ा काम भी करवा रखे है, गली गली में एंट्री बिछवा रखी है। ठीक है, तो मतलब कुछ काम करवाया है लेकिन ढोंग ज़्यादा किया गया है, कुछ ऐसा कहना आप? हाँ हाँ, ऐसा ही जी। हाँ जी सर, क्या लगता है कि सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है या फिर सिर्फ काम किया है? भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार किया है, काम ज़्यादा या भ्रष्टाचार ज़्यादा? भ्रष्टाचार ज़्यादा। भ्रष्टाचार ज़्यादा, और काम की अगर बात करें तो कितना संतुष्ट हैं आप उससे? सारा 20% संतुष्ट। बिल्कुल 20%। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार किया एक बार खुल करके बताइए। गांव में जितनी भी गलियां थी वो पाड़ के सारी, जितनी पंचायत की चार दीवारियां बनाई है गांव में, हाँ। वो पुरानी ईंटों से बना के नई दिखाई गई है। ठीक है, और गांव के किसी प्रकार की सफाई नहीं है, गाँव में नालियाँ हैं, कोई सफाई नहीं। गाँव का जोड़ है बिल्कुल, ये पंचायती जमीन है, कुएं से लेकर वहाँ आदमी निकल नहीं सकता, इतनी गंदगी है। ठीक है, संतुष्ट किस तरह होगी? बिल्कुल सफाई है ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरपंच के काम से आप गांव का कब्जा करा रखे हैं वहाँ 1.5 एकड़ जमीन के अंदर जी, जैसा बाहर के लोगों ने बसा दिया। ठीक है, कुछ गांव के भी है बाहर के बसा दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के काम से संतुष्ट आप कतई नहीं है? नहीं, इस काम से संतुष्ट नहीं जी। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है या फिर काम करने वाले सरपंच है? दोनों बात है मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सरपंच बनाओ आप गांव का, पढ़े लिखे है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जितना अट्टे में नमक होता है इतना होगा, चाहे वो पीछे का रिकॉर्ड ले लो चाहे आगे बना लो आप जी, वो तो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे बजट सरकार का बढ़िया हुआ है पंचायत की तरफ, वो ठीक लगे। ठीक है, हाँ लगभग काम ठीक हुए हैं, अच्छी इंटे ब्लॉक अच्छे लगे हैं। तो पिछले सरपंचों के कंपैरेटिवली अगर मैं पूछूं तो उनके कंपैरिजन में काम ज्यादा किया है या भ्रष्टाचार ज्यादा किया है? पिछले सरपंचों ने भी ठीक काम किया था, क्योंकि जब बजट थोड़ा होता था, हाँ। जितना बजट आता था उन सरपंचों ने ठीक किए। ठीक है, इसका बजट ज्यादा है, इस साल ज्यादा आ गया 2014 के बाद, तो जितना बजट आया ज्यादा उतना काम ज्यादा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। साफ सफाई की बात है वो गांव के लगा रखे हैं। ठीक है, हम तो सरपंच से भी निवेदन करेंगे, और आप अगर आगे पहुंचाना चाहो तो हम तो आगे भी कहते हैं गांव का सफाई कर्मचारी नहीं होना चाहिए जी, ऐसे कर दे मिंगणी खेड़े का यहाँ लगा दे, यहाँ का मिंगणी खेड़े लगा दे, सफाई ज्यादा होगी।
तो ये थे जाखोद गेड़ा गांव के कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, कुछ गणमान्य जिन्होंने सरपंच को लेकर के अपनी अपनी राय बताई है, उनके काम को लेकर के अपनी अपनी राय बताई है। कुछ लोग खुश नज़र आए तो कुछ लोग थोड़े बहुत उनसे नाराज़ भी नज़र आए हैं। तो ये पूरा नज़ारा मैंने आपको दिखाया है जाखोद खेड़ा गाँव का कि कितना काम यहाँ पर हुआ, सरपंच ने कितनी तरक्की यहाँ पर करवाई, स्कूल यहाँ के कैसे हैं, सड़कें यहाँ की कैसी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। आगे भी लगातार अलग अलग गाँव में जाती रहूँगी, अलग अलग गांव के हाल आपको दिखाती रहूंगी, आप तक पहुंचाती रहूंगी। जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। महिंद्रा एक्सयूवी 3 डबल ओ कम्स विद बेस्ट इन क्लास सेफ्टी फीचर लाइक 7 एयरबैग, 4 डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलास्टिक स्टेबिलिटी विद विल स्टार्ट असिस्ट। फॉर मोर डिटेल्स कांटेक्ट सुप्रीम मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड एसआर